स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के एग्जामिनेशन हो चुके थे, रिजल्ट भी 15 सितंबर 2024 को आ चुके थे, लेकिन कन्वोकेशन 17 सितंबर को हर बार होता है। इस बार भी होना था लेकिन सर्टिफिकेट और मार्कशीट ओरिजिनल नहीं आ पाया, इस वजह से नहीं हुआ। अब शायद उसको आगे किसी डेट में किया जाएगा। उसी क्रम में अभी यहाँ पर रिजल्ट जो है आप सभी का वो जारी हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने डाउनलोड भी कर लिया, कुछ का नहीं डाउनलोड हो रहा था। आप लोगों ने वीडियो पर कमेंट किया था कि फेक है, तो देखिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि इस चैनल पे एटलीस्ट फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जाती। अगर गलती से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ भी जाए तो उस वीडियो को या तो हटा दिया जाता है या आपको क्लेरिफाई कर दिया जाता है कि वो गलत था। वैसे ऐसा आज तक हुआ नहीं एंड होता भी नहीं है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके आ गए हैं, सभी के नहीं आए हैं ये भी चीज़ है। जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके अभी नहीं जनरेट हुए हैं, उनके जनरेट होंगे। ये कुछ मिस्टेक डीजीटी की तरफ से इस पोर्टल पे हुई है, कुछ मिस्टेक आईटीआई की आप सबकी भी है। जिनके फ़ोटो अगर नहीं अपडेट कराई गई तो उनके भी सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं आए हैं। यहाँ पर कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो हमने उसमें करके भी दिखाया था, अभी भी करके दिखाएंगे। कई बार आप कुछ स्टेप मिस कर जाते हैं, फिर आपको दिखता नहीं तो आपको लगता है वीडियो गलत है, बट वीडियो गलत हो सकती है। उसमें मार्कशीट सर्टिफिकेट हम कहाँ से गलत ले आएंगे, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम एडिट करेंगे बैठ के बना के, और वैसा कर भी पाएंगे, इतने बड़े एडिटर भी हम नहीं हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करना है डाउनलोड, तो देखिए ये SIDH पोर्टल है। वीडियो को लाइक कर देंगे तो सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। प्लीज़ लाइक वाला बटन जरूर दबाया करिए आप लोग, और चैनल पर जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा सकते हैं। लॉगिन पे आप जब क्लिक करने आते हैं तो आपको रिजल्ट चेक करने वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और जिनके रिजल्ट नहीं आ रहे उन्हें क्या करना होगा, कब आएगा, उसकी भी यहीं पे बात करेंगे। ठीक है, रिजल्ट डाउनलोड करना आपकी बहुत सिंपल हो गया है। बस आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है और सबमिट कर देना है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हों, चाहे वन ईयर ट्रेड में हों, चाहे आप सेकेंड ईयर यानी फाइनल कर चुके हों, तरीके सबके सेम हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले एक एंटर करके आपको दिखाते हैं एक्चुअल में आपको रिजल्ट कहाँ से दिखेगा। कई बार आप क्या करते हैं, जो रिजल्ट आया वो देख लेते हैं, ओरिजिनल जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो कहाँ से मिलेगा वो आप इसमें नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर का आगे का 00 हटा के R लिखना है और पूरा रोल नंबर लिखना है। ये वन ईयर ट्रेड का रोल नंबर है। साथ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी, फिर आपको करना है यहाँ पे सबमिट। जैसे आप सबमिट करते हैं अब आपके सामने एक डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे तीन डॉट दिख रही है, यहाँ पे तीन लाइन्स दिख रही हैं। आपको करना है इन तीन लाइनों पर क्लिक, और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है ट्रेनी डिटेल पे, ना कि व्यू रिजल्ट पे। किस पे, ट्रेनी डिटेल पे जाना है। क्लिक करते हैं, जैसे आप ट्रेनी डिटेल पे क्लिक करेंगे, कहीं बाहर क्लिक कर दीजिए ऐसा खुल जाएगा, फिर आप इसको ऐसे स्लाइड करते हुए ले जाएंगे इधर। यहाँ फिर से आपको ये तीन डॉट दिखेंगे एक्शन वाले ऑप्शन में। यहाँ आप देखिए आ रहा है ना ऑप्शन डाउनलोड मार्कशीट, डाउनलोड सर्टिफिकेट, व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ठीक है, अब ये तो हो गया वन ईयर का। जो कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर के होंगे, यानी जिन्होंने दो साल में एडमिशन लिया होगा लेकिन फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया होगा, उनके पास सिर्फ आएगा डाउनलोड मार्कशीट और व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट नहीं आएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आप फाइनल पास हो जाते हैं, यानी सेकेंड ईयर पास कर जाएंगे। जो वन ईयर ट्रेड है उनका एक ही साल का है, तो उनका मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों आ जाएगा। अब यहीं पर अगर बात करें, आप सेकेंड ईयर में हों लेकिन आप जब देख रहे हो तो आपका सिर्फ आ रहा हो व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आप यहीं नीचे जब आएंगे, ठीक है अभी रिजल्ट में आपको दिखा देंगे, नीचे जब आएंगे तो दिखेगा फोटो मिसिंग। ठीक, या थोड़ी देर के लिए क्या हुआ था, जो सेकेंड ईयर में उनकी मार्कशीट नहीं आएगी, उनका लिखा रहेगा कंसोलिडेटेड मार्कशीट। क्या रहेगा, कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिला के आपकी एक मार्कशीट जो बनती है उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट। तो आपका वो डाउनलोड होगा। कुछ कैंडिडेट्स का ये आ रहा है, कुछ में सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है अभी। तो ये DGT एंड SID पोर्टल का मिस्टेक है। रीज़न ये हो गया आप सबके साथ जो सेकेंड ईयर में हैं, कि आपका जो फर्स्ट ईयर का डेटा है उसको आना था NCVT MIS से, सेकेंड ईयर का डेटा आपका सारा कुछ अपडेट हुआ किस पे, SID पोर्टल पे। तो इन दोनों में जो तालमेल बना रही है ना DGT, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेटाबेस की मिस्टेक हो रही, इस वजह से सेकेंड ईयर के रिजल्ट में कुछ अभी एरर्स देखने को मिली हैं। जो वन ईयर ट्रेड हैं जिनका सारा काम SID से शुरू से हुआ, इसी पोर्टल से जुड़े, इसी पे रजिस्ट्रेशन हुआ, इसी पे एडमिट कार्ड आया, सब कुछ हुआ, उनका ऑलरेडी ये सारा कुछ आ चुका है। इवन जो फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं उनका भी मार्कशीट आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत हो रही है सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स के साथ, या और कुछ जो दिक्कत हो रही है उसे हम आपको बता दें, जिसे आप सही भी आपको करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप फंसे रहेंगे उसमें। जैसे यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे जब रिजल्ट देखा, आप रिजल्ट जब देखेंगे पूरा, आप नीचे आएंगे, यहाँ देखिए नोट में कुछ नहीं है। ठीक है, जिनके रिजल्ट में नोट में कुछ ऐसा जीरो करके फोटो मिसिंग समथिंग कुछ अगर लिखा हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट का फिर मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं आएगा। अगर आप में भी ये लिखा है तो आप एक बार बताइए कमेंट करके, क्या क्या लिखा हो सकता है वो भी हम आपको दिखा दें। देखिए ऑन होल्ड अगर लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, मतलब तो ऑन होल्ड का मतलब है कि आपका रिजल्ट जो है होल्ड है। आप अपने ITI से कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई हैं, उनकी वजह से आपका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। दूसरा है,
अगर दो नंबर दिखता है और पेमेंट पेंडिंग दिखता है आपका रिजल्ट देखने पे, ठीक है, रिजल्ट के नीचे नोट में जाइएगा, तो इसका ये मतलब है कि आपकी सीबीटी एग्जामिनेशन फ़ी पे नहीं है। आप क्या करेंगे, आप लॉगिन करिए अपनी प्रोफाइल में, अपनी सीबीटी फ़ी को पे करिए या अपने आईटीआई से पे कराइए और अपना रिजल्ट देख लीजिए, यह ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। तीसरा है नॉट एलिजिबल फॉर दिस सेशन, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आपका अटेंडेंस या जो सेशनल है वो 80% से और सेशनल आपका 60% से कम है, इसलिए ऐसा आ रहा है। चौथा, अगर रिजल्ट पेंडिंग दिख रहा है ऐसा लिख रहा है तो यानी आपके सीबीटी या प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो इंटर या अप्रूव नहीं हुए हैं। तो सीबीटी के नंबर अगर अप्रूव नहीं हुए तो उसको तो डीजीटी करेगा, एसआईटी पोर्टल करेगा, एनएससीआईटी कराएगा। अगर प्रैक्टिकल के नंबर नहीं इंटर हुए किसी रीजन से, या आपका आईटीआई इंटर किया लेकिन पोर्टल पर नहीं अपडेट हुआ, तो आपका आईटीआई इसको उनके साथ मिल के परस्यू करेगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है। तीसरा, अगर जीरो शो कर रहा है और फोटो मिसिंग शो कर रहा है तो अपनी फोटो को आपको अपने आईटीआई विजिट करके इमीडिएटली अपलोड कराना होगा, जैसे ही आप अपलोड करा देंगे आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पांच चीज़ें हैं जो आपके रिजल्ट में शो हो सकती हैं, तो आप बताइएगा आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करते टाइम। इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, जो है सब आपके सामने है। रिजल्ट आपको देखना है, यहाँ से देखिए, ट्रेनिंग डिटेल में जाइए और इसको क्लोज़ कीजिए और यहाँ से आप अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे वन ईयर के ट्रेड में हो जिसमें आप कंप्लीट कर चुके हो आईटीआई, तरीके सबके सेम है, रास्ता वही है, बस करना क्या है कि यहाँ देखना है आपको मिल अभी क्या क्या रहा है, और जो नहीं मिल रहा है उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना, एक से दो दिन वेट कीजिए, अगर नीचे कोई और एरर नहीं आ रही तो आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट आ जाएंगे, ठीक है। पोर्टल पर जारी हो रहे हैं, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, जब भी कोई नया सिस्टम बनता है ना तो उसे इस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा समय लग जाता है और उसको फेस आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, एंड जो ये जारी कर रहे हैं डीजीटी, एमएसडी या स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल वो भी करते हैं, ये सभी फेस करते हैं। धीरे धीरे चीज़ें जब एक लाइन में हो जाती है ना, एक साल दो साल में, तो फिर आपको सब प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, ठीक है। नया पोर्टल है, नई चीज़ें जारी हुई हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं सहूलियत भी है आपको डाउनलोड करने में, ठीक है। बहुत आसान स्टेप्स हैं जिससे आप डाउनलोड कर पा रहे हैं। NCVT MIS पे आप प्रोफाइल खोलते थे, फिर आपका डाउनलोड होता था, प्रोफाइल में आपको काफ़ी सारी डिटेल इंटर करनी होती थी, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड, फादर्स नेम, ठीक है, कुछ भी अगर एक स्पेलिंग का भी मिस्टेक होता था ना फादर्स नेम में, स्पेस तक का मिस्टेक होता था तो आपकी प्रोफाइल खुलती ही नहीं थी, आप परेशान रहते थे क्या हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से यहाँ पर आपको छुटकारा मिला है, आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर पा रहे हैं। बस एक चीज़ हम डीजीटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा जो हो रहा है, जैसे कोई भी ट्रेनी अगर किसी ट्रेनिंग की डिटेल पा जाए तो वो उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है, इसके लिए थोड़ा सा अगर कुछ एक OTP के प्रोविज़न या कुछ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपका एटलीस्ट एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो किसी और के हाथ ऐसे ही ना लग जाए, ठीक। बाकी कुछ उससे हो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी होनी चाहिए इतनी प्राइवेसी कि आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट कोई भी ऐसे ही ना डाउनलोड कर ले, ठीक है। बाकी यही था आप सबके लिए अपडेट, आप बताइएगा आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड कोई भी चीज़ें यहाँ फेक नहीं मिलती हैं आपको, इतना आप ध्यान रखिएगा। आप सबके लिए डेडिकेटेड है ये चैनल, आपके लिए जॉब अप्रेंटिसशिप की अपडेट लाना हमारा काम है, पढ़ाई की वीडियोस लाना हमारा काम है, ऐसी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट हो, किन चीज़ों को कैसे आप करेंगे वो भी हम आपको ज़रूर बताते रहते हैं। तो ज़रूर जुड़िएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, जो भी आपकी समस्या हो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम जरूर एक एक करके आपको रिप्लाई करेंगे या बताएंगे आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।